देखो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया बेटा, इसको देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा मैं एलोबोरेट कर देता हूँ। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा है, तो इसको लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। इसी तरह से साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं बेटा, तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा -1। अब इसमें प्लस वन भी है तो आंसर आ जाएगा -1 + 1, दैट इज 0। ठीक है, अब इसको ओपन करें तो के इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 5/12 cos² π/12 प्लस 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 - 1, दैट इज 3, 3π/12 दैट इज cos² π/4, और 3 पुट करेंगे तो आ जाएगा 5π/12। अब बेटा इसको लिख लो, इसको लिख लो π/2 - π/12, तो ये हो जाएगा cos² एज इट इज रखो, ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos 90 - θ sin θ, तो ये फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा 1, तो 1 + 1/2, तो आंसर आ गया बेटा 3/2, डी आंसर हो जाएगा।